हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एशा यंग आईएएस। फ्रेंड, जैसा कि हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कशन किया था नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, सेम ऐसे ही हमने आज दूसरा टॉपिक लिया है एलसीएम और एचसीएफ का, जो कि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एसएससी जेल में दो नंबर के अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमने एचसीएफ और एलसीएम के क्वेश्चन दिए हैं, जो कि एक फार्मूला के बेस पर क्वेश्चन बनाया है, एक ही फार्मूला के बेस पर क्वेश्चन बनाया है। वही क्वेश्चन जितने भी हमने क्वेश्चन लिए 10 क्वेश्चन सेम वही फॉर्मूले पर है। तो सबसे पहले आपको बताते हैं एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ, एचसीएफ मीन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जैसे कि आप वर्ड में आप समझ सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कोई भी दो नंबर दिया हुआ है, जैसे 12 और 18 दिया हुआ है, इसका फैक्टर करेंगे 2 × 2 × 3 एंड 18 करेंगे 2 × 3 × 3। तो यहाँ पे दिया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा निकला? तो सबसे पहले आप देखते हैं क्या होगा इसका एचसीएफ। एचसीएफ 2 × यहाँ पे कॉमन क्या है 3, और बाकी यहाँ पे कोई कॉमन नहीं है। यहाँ पे जबकि पूछा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट तो हमारा आ रहा है एक ही नंबर पर, हाईएस्ट दिया है, तो यहाँ पे दो ही है जो हमारा हाईएस्ट, मतलब दो ही यहाँ पे कॉमन नंबर्स हैं, तो हमारा यही जो मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 3 = 6, तो हमारा ये सबसे हाईएस्ट नंबर है जो दोनों का कॉमन फैक्टर रहेगा। लिस्ट तो हमारे दो भी है, तीन भी है, पर यहाँ पे क्या पूछा उसने, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसको हम लोग एचसीएफ बोलते हैं। तो दोनों नंबर्स में, दो नंबर का एचसीएफ क्या हुआ 6। सेम ऐसे ही एलसीएम, सो एलसीएम का मतलब क्या होता है लिस्ट। फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पे दे हाईएस्ट और यहाँ पे लिस्ट कॉमन मल्टीपल, वहाँ पे क्या था फैक्टर था, यहाँ पे सब फैक्टर थे, यहाँ पे मल्टीपल मीन्स यहाँ पे फैक्टर थे, यहाँ पर उन्होंने लिया है यहाँ पे मल्टीपल रहेंगे। मैं बताता हूँ आपको मल्टीपल, ओके। जैसे कोई भी नंबर दिया यहाँ पे 12 और 18, 12 का फैक्टर कितना होगा 2 × 2 × 3, 18 का 2 × 3 × 3, ओके। सो एलसीएम निकालेंगे इसका, जैसे कि अपने छोटे स्टैंडर्ड पढ़ा होगा अपने एलसीएम एचसीएफ का, सो यहाँ पे निकालेंगे 2 × 2 × 3 × 3, सो यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा 2 × 2 × 3 × 3, 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, 12 × 3 = 36। तो यहाँ पे उसने क्या है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई हुआ है, लीस्ट सबसे लीस्ट सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो दोनों नंबर्स में कॉमन आए, जो दोनों का कॉमन है सबसे छोट, तो सबसे छोटी जो नंबर सबसे छोटा है 36 ही सबसे छोटा नंबर है जो दोनों का सबसे लीस्ट नंबर होगा, कॉमन जो रहेगा सबसे लीस्ट यही रहेगा। तो इसको हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं इसके लिए, कि सबसे 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 और 18 का सबसे लीस्ट नंबर है। सेम ऐसे यहाँ पे एचसीएफ का था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यहाँ फैक्टर यहाँ पे मल्टीपल था, तो यहाँ पे जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर रहेगा ना वो हाईएस्ट 6 है, 6 से ज्यादा कोई भी नंबर हो ही नहीं सकता जो इसका कॉमन हो दोनों में। सो ये दोनों, सो यही बीच हमने क्वेश्चन एक बनाया है, एक फार्मूला है यहाँ पे एलसीएम एचसीएफ के फॉर्म पे, जैसे कोई भी दो नंबर दिया है 12 और 18, ये दो नंबर, ये फर्स्ट नंबर हो गया और ये सेकेंड नंबर हो गया, सो इसका एलसीएम एचसीएफ यहाँ पे मैं सोचा फार्मूला बता क्या फार्मूला इसका है, ओके। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम, दोनों का एलसीएम इंटू एचसीएफ, दोनों का एचसीएफ, ये फॉर्मूला, यही फॉर्मूला बेस पे हमने ना क्वेश्चन बनाए आज के। तो चलिए सॉल्व करते हैं, पहले नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 864 एंड देयर एचसीएफ इज 144। हमारा क्या क्या दिया है, एलसीएम दिया कितना 864 और एचसीएफ कितना दिया है 144, ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इफ वन ऑफ द नंबर इज 288 मीन्स फर्स्ट नंबर, यहाँ पे एक नंबर दिया हुआ है, तो यहाँ पूछा है द अदर नंबर इज, व्हाट इज द अदर नंबर, अदर नंबर क्या होगा ये हमको फाइंड करना है। तो हमने आपको फॉर्मूला बताया है फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम, सो हमको यहाँ पे वैल्यू पुट करना है। एल सी एम यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे
फर्स्ट नंबर हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 288, सेकंड नंबर को फाइंड करना है, सेकंड नंबर वो हम ऐसे लिखते हैं, और एच सी एफ कितना है 144 इंटू एल सी एम कितना है 864, सो हमको सेकंड नंबर फाइंड करना है, सो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा 144 इंटू 864 डिवाइड बाई 288, सो 1 2 ज़ा 144 2 ज़ा 288, ओके 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 2 2 ज़ा 4, सो हमारा सेकंड नंबर यहाँ पे क्या आया है 432, सो हमारा 432 हमारा सेकंड नंबर, ऑप्शन कौन सा यहाँ पे 432, सी हमारा सी ऑप्शन सही है। सो ऐसे हमने बहुत से क्वेश्चन लिए सेम यहाँ पे, बहुत ही इजी क्वेश्चन है यहाँ पे हमने, फिर भी यहाँ पे सीजीएल में टीयर फर्स्ट में यहाँ पे 2 नंबर क्वेश्चन पे, तो हमने चाहते कि कोई आप एक भी नंबर आप मिस करें सीजीएल के एग्ज़ाम में, सो हमने यहाँ पे 10 क्वेश्चन इसके बेस पे बनाया है, सो हम चाहते हैं कि पूरा कम्प्लीट आपको नॉलेज हो इसका ये फॉर्मूले का। सो क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, ओके सो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 225 एंड देयर एचसीएफ इज 5, हमारा एलसीएम क्या दिया हुआ है, एलसीएम जो हमारा 225, एचसीएफ क्या दिया हुआ है, एचसीएफ है 5 एंड वन नंबर इज 25, वन नंबर इज 25 हमारा फर्स्ट नंबर दिया हुआ है 25, हमको अदर दूसरा नंबर को फाइंड करना है, तो सेकंड नंबर हमको फाइंड करना है, सो हमारा फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, ओके सो फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है 25, सेकंड नंबर फाइंड हमको करना है, एचसीएफ क्या दिया हुआ है 5 इंटू एलसीएम क्या दिया हुआ है 225, सो हमको क्या करना है यहाँ पे डिवाइड, ये इधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 5 इंटू 225 डिवाइड बाय 25, सो 25 करेंगे 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 5 1 ज़ा 5 4 ज़ा 5 5 ज़ा, ओके सो हमारा नंबर सेकंड नंबर यहाँ पे क्या आया 45, सो हमारा ऑप्शंस कौन सा हमारा सही है 45 हमारा सेकंड नंबर, तो ऑप्शन कौन सा हमारा सही है सी, तो हमारा सी ऑप्शन सही है, बहुत ही ईजी है दोस्तों, सिर्फ इसको क्या आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है यहाँ पे हमने लिए हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, सो क्वेश्चन नंबर थर्ड है द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड द अदर्स टू फैक्टर ऑफ दियर एल सी एम आर 13 एंड 14, ओके द लार्जर ऑफ टू नंबर इज, ओके सो यहाँ पे हम निकालते हैं एच सी एफ टू नंबर क्या लिखा है 23, ओके एल सी एम क्या है, अदर्स टू फैक्टर ऑफ दियर एल सी एम आर 13 एंड 14, सो द लार्जर ऑफ टू नंबर इज, सो हमारा यहाँ पे दिया हुआ है ये दोनों का एल सी एम जो रहेगा फैक्टर, तो ये दोनों फैक्टर है, फैक्टर हमें दिया एल सी एम हमारा यही रहेगा 13 इंटू 8, ये करेंगे 14 इंटू 13 करेंगे हमारा फैक्टर हो जाएगा, सो हमारा टू नंबर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, दो नंबर्स लार्जर ऑफ टू नंबर्स हमको फाइंड करना है दो नंबर्स, सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है फॉर्मूला सजन ये करते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, ओके सो हमारा एच सी एफ दिया सबसे पहले जो वैल्यू दिया वहाँ पे आपको पुट करते हैं रखते हैं, ओके सो एल सी एम सॉरी एल सी एम क्या दिया हुआ है 13 इंटू 40 इंटू एच सी एफ, एच सी एफ क्या दिया हुआ है 23, सो हमको दोनों नंबर पूछा है लार्जर ऑफ द टू नंबर्स इज, दो नंबर्स मीन्स ये दोनों हमको दिया हुआ है उनको फाइंड कर रहा है, यहाँ पे पूछा नहीं कि एक नंबर दिया दूसरा नंबर, यहाँ पे दोनों नंबर नहीं दिया है, पूछना है दोनों नंबर क्या होगा लार्जर ऑफ टू नंबर इज, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे करते हैं चलिए 13 इंटू 14 14 3 ज़ा 42 1
80 इंटू 23 करते हैं, 6 4 5 4 16 7, सो दोस्तों एक मिनट क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, ये हमारा रॉन्ग आ रहा है। द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ दियर एल सी एम आर 13 एंड 14, द लार्जर ऑफ टू नंबर इज, हाँ तो यहाँ पे एल सी एम दिया हुआ है 13 एंड 14, सो 13 14 करते हैं तो यहाँ पे 23 इंटू 13 13 9 6 3 2 9 9 9, तो 13 के लिए हमारा क्या रहेगा, हमको पहले पहले फर्स्ट पर हमको पुट करना है, 13 के लिए हमारा क्या रहेगा, 13 अगर पुट करते हैं, फिर एलसीएम दो एलसीएम थे यहाँ पे, एक तो ये है दूसरा ये है, तो अगर 13 पुट करते हैं हम तो हमारा जो हाई जो हमारा नंबर आएगा लार्ज, जब हम लार्ज पूछना है तो हमारा एक नंबर आएगा 299, अगर दूसरा हम पुट करते हैं सेम इसी वैल्यू में, एक तो नंबर 290 है, दूसरा क्या आता है देखते हैं, 40 इंटू 23, तो यहाँ पे करते हैं 40 इंटू 23, 3 चौक 12, 3 एक 3 एक 4, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 8 4 12 3, ओके। सो यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे दिया हमको द लार्जर ऑफ टू नंबर, ये तो हमारा स्मॉल नंबर हो गया, हमको लार्जर पूछा है यहाँ पे, सॉरी ये हमारा स्मॉल हो गया क्योंकि यहाँ पे जो आ रहा है वैल्यू 322 और हमको पूछा है लार्जर पूछा, तो हमारा लार्जर दोनों में कौन है, ये है, तो हमारा वैल्यू कौन सा सही रहेगा, ये, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा, ये जितने भी ये टाइप का क्वेश्चन पूछ रहे हैं यहाँ पे लार्जर, अगर यहाँ पे स्मॉलेस्ट पूछ लिया, अगर स्मॉलर कौन सा है यहाँ पे तो आपका स्मॉलर ये रहेगा, लार्जर कौन सा है तो आपका लार्जर ये रहेगा। सेम आप क्वेश्चन को आपको आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको ध्यान देना, आपको सेम यही फॉर्मूले पर क्वेश्चन रहेंगे आपको जितने भी आएंगे मोस्टली, जैसा कि अगर ये टाइप के रहेंगे क्वेश्चन, तो हमको सबसे पहले कि ध्यान देना है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे दिया एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 23 एंड द अदर टू फैक्टर ऑफ देयर एल सी एम, मतलब दोनों का जो एल दोनों एल सी एम है, ये दोनों एल सी एम मतलब एक तो छोटा एक तो बड़ा रहेगा, तो हमने को पूछना है यहाँ पे है द लार्जर ऑफ टू नंबर इज, तो लार्जर टू नंबर सबसे पहले हम दोनों का निकालेंगे, एक तो एल सी एम ये हो गया, दूसरा ये है, तो सॉरी इसका निकालेंगे मीन्स एल सी एम इंटू एच सी एफ करेंगे, दो नंबर को बताया नहीं कौन सा होगा, वो नंबर हमको फाइंड करना है यहाँ पे, हमको इसका एक्स मान लेते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले 13 का 13 हमारा क्या है 299, उसके बाद हमने निकाला 14 का 14 हमने निकल क्या है 322, तो यहाँ पे लार्जर से पूछा है लार्जर, तो दोनों का लार्जर क्या हुआ 322, तो हमारा ऑप्शन कौन सा ये सही रहेगा, ओके फ्रेंड्स। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन बहुत ही ईजी, थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा सा फंसाया यहाँ पे, बट क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे सीजन मिलेंगे, सो आप घबराना मत, जो भी रहेगा आपको फॉर्मूला बेस याद रहना चाहिए, ओके। सो क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 4 है द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज, एलसीएम टू नंबर इज 1920 एंड देयर एचसीएफ इज 16, वन ऑफ द नंबर इज 128, फाइंड द अदर नंबर, सेम आपको फॉर्मूला यूज करना है, एलसीएम का दिया हुआ है क्या है 1920, एचसीएफ का दिया हुआ है क्या है 16 है, फर्स्ट नंबर आपको दिया है वन नंबर या फर्स्ट नंबर बोल सकते इसको 128, हमको अदर नंबर फाइंड करना है, सो हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ, सो हमको वैल्यू पुट करना है, फर्स्ट नंबर का क्या दिया हुआ है यहाँ पर 128, अदर नंबर को फाइंड करना है, सेकेंड नंबर एल सी एम क्या दिया हुआ 1920 इंटू एच सी एफ क्या दिया हुआ है यहाँ पर 16, तो सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा 1920 इंटू 16 बाई 128, सो इसको हम सॉल्व करते हैं 16 8 जा 128, ओके 8 2 जा 16, यहाँ पे कितना बचा 3, 8 4 जा 32, 80, तो हमारा ऑप्शन से आंसर, हमारा आंसर क्या है यहाँ पे 240, तो हमारा सेकंड नंबर क्या है यहाँ पे 240, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हमारा सही है 240, बी ऑप्शन हमारा सही है। सो बहुत इजी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, सिर्फ आपको क्वेश्चन पढ़ना है और फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, फॉर्मूला याद है तो आप सब क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर फाइव। क्वेश्चन नंबर फाइव दिया है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज 12906 एंड 1481 इज 78। हमारा दो नंबर यहाँ पे दिया हुआ, दोनों का यहाँ पे एचसीएफ क्या है 478। तो हमको एलसीएम फाइंड करना है। हमारा दो नंबर दिया, फर्स्ट नंबर हमारा क्या है, फर्स्ट नंबर हमारा है 12906, सेकंड नंबर हमारा क्या है 14818, और एचसीएफ क्या दिया, दोनों का एचसीएफ क्या है, एचसीएफ है यहाँ पर 478। तो हमको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। सो फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर हमारा क्या यहाँ पे दिया है 12906 इंटू सेकंड नंबर क्या है 14818 इज इक्वल टू एलसीएम फाइंड करना हमको, इंटू एचसीएफ क्या दिया 478। तो हमको फाइंड करना एलसीएम, एलसीएम इज इक्वल टू 12906 इंटू 14818 बाई 478। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, सॉल्व करते चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले छोटे से ये करते हैं, डिवाइड करते हैं, टू टू से करते हैं, टू थ्री नाइन यहाँ पे करते हैं 7409। ओके सो कितने नंबर्स कटेगा, सो यहाँ पे 239। वन टू नाइन जीरो सिक्स बाई टू थ्री नाइन, सो दोस्तों यहाँ पे हम ये करते हैं, सबसे पहले एक मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, इजी हो जाएगा। 12906 इंटू 7409 मल्टीप्लाई करते हैं 54, 18, 9 to 18, 18, 8, 26, 11, 0, 0, 0, 0, 0, ओके 4, 24, 6, 15, 5, ओके 42, 7, 7, 63, 6, 7, 14, 20, 7, 7, 2, 9, सो हमारा क्या है 5, 4, 1, 5, 2, 2, 4, 4, 6, 10, 6, 4, 10, 11, 12, 5, 1, 6, 6, 3, 9, 1, 10, 5, 1, 6। सो हमको यहाँ करना है, भाग देना है 9, 6, 0, 2, 0, 5, 5, 4, 239 से। चलो बिल्कुल कितनी बार जाएगा चलिए देखते हैं, चार वाले लेते हैं, चूँकि 4, 9, 36, ओके 4, 9, 36, 4, 3, 12, 3, 15, 4, 3, 8, 1, 9, 956, 956 यहाँ पे रहेगा 4, 1, 0, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा यहाँ पर 0। सो हमारा ऑप्शन यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका पहला ऑप्शन आएगा 4008 6 ये आएगा, कि सॉल्व करेंगे तो हमारा ये आएगा। तो हमारा यहाँ पे एलसीएम क्या होगा 4008 6, क्योंकि सॉल्व करेंगे तो आपका इतना ही आएगा 4008 6 ही आएगा। सो हमारा एलसीएम क्या यहाँ पे हुआ 4008 6, तो हमारा ऑप्शन कुछ सही फर्स्ट सही है। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले आपको जितनी भी है आपको मल्टीप्लिकेशन पूरा और डिवीजन पूरा ध्यान में रहेंगे आसानी से आपको करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स। सो क्वेश्चन नंबर सिक्स क्या है, द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर्स आर 16 and 48। एचसीएफ क्या दिया यहाँ पे है 16, एलसीएम क्या है 480 रेस्पेक्ट टू द नंबर्स आर। ओके तो हमको जो नंबर्स फाइंड करना ना,
हमको यहाँ पे नहीं पूछा कि एक नंबर, हमको नंबर नहीं दिया है, तो हमारा नंबर्स कोई भी हो सकता है फर्स्ट नंबर, हमको दोनों नंबर्स क्या होगा फाइंड करना हमको। सो चलिए फॉर्मूला हम क्या करेंगे इसका, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसका ये करेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे। ओके सो निकालते हैं यहाँ पे एच सी एफ निकालते, सबसे पहले 480 एल सी एम है, 480 का फैक्टर क्या होगा 240 260 260 30 15 3 1, 2 2 4 2 8 2 16 32 दिया 32 दिया इंटू 5 15 15 32 करेंगे तो आपका ये आएगा। सो यहाँ पर क्या होगा नंबर जो भी है हमको, सो चलिए हम पुट करते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या है 16 इंटू 480 करते हैं क्या होगा हमारा नंबर जो आएगा, फोर एट्टी इंटू सिक्सटीन 0 8 8 0 8 4 0 8 16। सो हमारा दोनों नंबर्स क्या रहेगा 7 6 8 0, ये हमारा दो नंबर्स रहेगा। यहाँ पे नंबर्स दिए हुए हैं तो इसका हम ये निकालेंगे, फैक्टर निकाल लेंगे 7 6 8 0। टू थ्री ज़ा 8 4 0 टू 1 9 2 0 टू 2 9 6 0 2 8 0 टू 2 4 0 सॉरी 2 2 1 2 0 60 30। सो हमारा सेम यही आएगा फॉर प्रोसेस। तो हमारा ऑप्शन का अगर आप सॉल्व करेंगे तो मैं बताता हूँ क्या क्या यहाँ पे बनेगा, फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे। सर यहाँ पे 2 से करते हैं 15, अभी 3 3 5 5। सो हमारे इतने जो नंबर्स आएंगे इसमें से फैक्टर बनेंगे। सो फैक्टर कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करते हैं दोनों का क्या क्या फैक्टर आते हैं देखते हैं। 40 × 48 अगर ये नंबर्स आ गए तो दो नंबर्स हो सकते हैं 8 32 0 16 02, क्योंकि 19 है हमारा ये नहीं होगा। 8 चेक करते ट्राई करते हैं 72 × 60 0 0 2 40 6 दिन बाद 13 2 4 3 ये भी नहीं हो सकता। आगे का देखते हैं 6 4 8 0 0 2 8 32 2 8 46 52 यहाँ पर 2 2 5। सो हमारा लास्ट ऑप्शन आई थिंक सही रहेगा, कर लेते हैं 96 × 80 0 0 8 4 76 8। सो हमारा लास्ट आंसर सही है, क्योंकि दोनों का मल्टीपल जो आ रहा है 7 6, हमारा जो नंबर आ रहा है दोनों हमारे यही नंबर है ना, तो हमको ये मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा नंबर
फॉलो कर रहा है इसको, क्योंकि यही नंबर एक फॉलो, बाकी नंबर्स क्योंकि हमारे दो एलसीएम एचसीएफ दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो ये दोनों नंबर होगा। अभी दोनों नंबर जो हमको फाइंड करना है, ऑप्शन हमको दिए हुए हैं, सिंपल हमको क्या करना है, दोनों का मल्टीप्लाई कर, दोनों नंबर्स में से जो नंबर इसको फॉलो करता है तो वही हमारा दोनों नंबर होगा। सो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, ये रहेगा। सो आपको ये थोड़ा सा आपको मल्टीप्लिकेशन और ये डिवीजन का थोड़ा आपको ध्यान, फैक्टर आपको याद ध्यान रखिए, फैक्टर जो भी रहेगा फैक्टर आपको ध्यान, आपके अपने प्रीवियस कक्षा में पढ़ा होगा क्लासेस में आपको फैक्टर कैसे निकालते हैं। सो ये फैक्टर्स का है, तो जो हमारा जो नंबर रहेगा, जो दोनों नंबर आया है, दोनों नंबर जो रहेगा इसमें से हमारा ये फॉलो कर, तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, ये रहेगा। सो ये टाइप क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ओके, द एच सी एफ ऑफ टू नंबर्स इज 16 एंड देयर एल सी एम 160। एच सी एफ क्या दिया है, 16, एल सी एम क्या है 160, वन नंबर दिया है, फर्स्ट नंबर क्या है 32, सेकेंड नंबर को द देन द ऑर्डर नंबर, ऑर्डर में सबका सेकेंड नंबर बच रहा है, तो ये फाइंड करना हमको। तो सिंपल है, आप फॉर्मूला जानते हैं, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एल सी एम इंटू एच सी एफ। फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ, एक नंबर 32, सेकेंड हमको फाइंड करना है, एल सी एम क्या दिया है 160, एच सी एफ क्या है 16, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 160 इंटू 16 डिवाइड बाई 32, 16 वन जा 16, टू जा 32, 180। सो हमारा सेकेंड नंबर यहाँ पे क्या आया 80। सो हमारा ऑप्शन कौन सही है, बी ऑप्शन सही है। सो बहुत ही ईजी है दोस्तों, सिर्फ हमने थोड़ा सा क्वेश्चन थोड़ा उल्टा सीधा मन करके लिया है, किसी का नंबर फाइंड करना, किसी का एलसीएम दिया हुआ, किसी का एचसीएफ, किसी का एलसीएम फाइंड करना, ऐसे ही हमने क्वेश्चन लिए हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 4107, दो नंबर्स के हमारा क्या दिया प्रोडक्ट 410, एचसीएफ ऑफ द नंबर इज 37, द ग्रेटेस्ट नंबर इज 37, द ग्रेटेस्ट नंबर इज, सॉरी यहाँ पे लीस्ट नंबर होना चाहिए, ग्रेटर नंबर इज 37, द लीस्ट, यहाँ पे लीज नंबर होना चाहिए, क्या होगा। तो हमारा दोनों का प्रोडक्ट जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या दिया हुआ है 4107, एच सी एफ क्या है 37 इंटू एल सी एम, हमको यहाँ पे एल सी एम फाइंड करना है। सो एल सी एम यहाँ पे दो नंबर रिपीट हुआ है, सो एक ही है यहाँ पे, तो एल सी एम इज इक्वल टू क्या होगा, हम डिवाइड कर देंगे इसको, एल सी एम इज इक्वल टू 4107 बाय 37, डिवाइड करेंगे यहाँ पे 4107, वन बढ़ जाएगा 404, वन बढ़ जाएगा 307, वन बार। सो हमारा एल सी एम यहाँ पे क्या आएगा, जो लीस्ट मल्टीपल होगा, जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा हमारा क्या रहेगा यहाँ पे 111। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सही है, बी ऑप्शन सही है। हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो दोस्तों, फिर से पढ़ो, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों नंबर हमारे जो मल्टीपल यहाँ पे दिया हुआ है, दोनों नंबर्स का फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो मल्टीपल यहाँ पे दिया हुआ 410, द एच सी एफ, एच सी एफ ऑफ नंबर 37, ये नंबर दोबारा रिपीट हुआ है, एच सी एफ मतलब दोनों नंबर का जो है ना, ये दोनों का जो एच सी एफ है 37 है, तो हमको एक नंबर फाइंड करना, वो क्या है हमारा एल सी एम को फाइंड करना, तो दो नंबर हमारा दिया हुआ है, एच सी एफ दिया हुआ है, तो हमारा लिस्ट यहाँ पे लिस्ट रहेगा दोस्तों, हमको फाइंड करना है जो कॉमन फैक्टर हमारा रहेगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सॉरी लीस्ट हमको एल सी एम यहाँ पे फाइंड करना है, तो हमारा एल सी एम क्या आएगा 11111 आएगा। सो हमारा ऑप्शन ये सही रहेगा। ओके फ्रेंड्स, सो क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन दिया हुआ है, द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 15, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग रखते हैं यहाँ पर, एच सी एफ क्या यहाँ पर दिया हुआ है 15 एंड देयर एल सी एम इज 300, एल सी एम क्या है, एल सी एम है 300, इफ वन ऑफ द नंबर इज 60, ओके एक नंबर दिया वहाँ पे, फर्स्ट नंबर दिया है 60 है, देन द अदर नंबर, अदर नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर को फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आपको पता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू यस एल सी एम इंटू एच सी एफ। ओके, सो यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, जो भी क्या कह दिया हमारा, फर्स्ट नंबर 60, सेकंड फाइंड करना हमको
इसको सेम ऐसे ही रहने देते हैं। एलसीएम क्या है 300, एचसीएफ क्या है 15, सो सेकंड नंबर इज इक्वल टू 300 इंटू 15 बाय 60। 15 वन जा 15, 4 जा 60, ओके 4 वन जा 4, 7 जा 28, 4 5 जा 300 हो जाएगा, करेंगे 75 होगा, 4 75 इंटू 4 करेंगे तो आपका 300 आएगा। सो हमारा सेकंड नंबर क्या यहाँ पे मिला 75, सो हमारा ये आंसर हुआ। तो 75 कौन सा ऑप्शन हमारा, बी ऑप्शन, सो ये हमारा आंसर है। सो क्वेश्चन लास्ट हमको आते हैं, ओके क्वेश्चन नंबर 10 जो लास्ट नंबर क्वेश्चन है दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 1280 एंड देयर एचसीएफ इज 8, द एलसीएम ऑफ नंबर विल बी सेम। इसके सम ऐसा ही क्वेश्चन सेम पहले भी आया था, वहाँ पे दिया था दोनों, ये दोनों नंबर का दिया हुआ है, दो नंबर क्या है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1280, एचसीएफ दोनों का दिया हुआ है, एचसीएफ क्या दिया है 8 है, तो हमको फाइंड क्या करना है एलसीएम। सो हमारा ये हमारा फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। सो फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर हमारा दिया हुआ क्या है 1280, दोनों का मल्टीपल हमारा दिया हुआ है, एलसीएम को फाइंड करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ हमारा दिया, एलसीएफ हमारा क्या है 8 है, सो डिवाइड करेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 1280 डिवाइड बाई 8, डिवाइड करेंगे 8 वन जा 8, 4 8 6 जा 0, तो हमारा ये आएगा, अगर हम मल्टीप्लाई यहाँ पे 160 इंटू 8 करेंगे तो भाई इतना आएगा 808 8 6 48 4 8 4 12, तो हमारा ये आएगा। सो हमारा एलसीएम हमारा कितना आया 160, सो हमारा एलसीएम पूछा, हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों ऐसे भी हम ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही ईजी है, सिर्फ थोड़ा सा क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा घुमा के पूछेगा क्वेश्चन, ऐसा दिया होगा दो नंबर दिया, कभी भी आप क्वेश्चन ध्यान से जब भी क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ध्यान से तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन कितना भी ईजी क्यों ना, जब तक क्वेश्चन पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। यहाँ पे इसे दिया दो नंबर्स, अभी यहाँ पे इधर टू नंबर इज मतलब दो नंबर मतलब दूसरा नंबर दिया है, नो दोनों का मल्टीपल यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर सेकंड दोनों का जो मल्टीपल यहाँ पे 1280 यहाँ पे दिया है और एचसीएफ 8 है, तो हमको एलसीएम फाइंड करना है। ऐसे आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे, सो आपको फॉर्मूला ध्यान में रखे आपको सॉल्व करना है। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिस फ्रेंड्स ने हमारे इस वीडियो को चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किया है सबसे पहले उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके, ताकि जितने हम क्वेश्चन बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगे और आप आसानी से देख सकें, और कुछ भी आपको अगर डाउट होता है तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपका कमेंट जो भी रहेगा सॉल्व करके बताएंगे जो भी रहेगा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही बस, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।